दिस टू लाइन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, ठीक है, और आपको के का वैल्यू निकालना है। पैरेलल के लिए क्या होता है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, टू के है ना, ऐसे ही बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। तो ये हो गया, ये टू के अपॉन फाइव नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब देखो वीडियो पॉज करो, यहाँ सी वन अपॉन सी टू क्या होगा, टू अपॉन वन होगा, बिल्कुल नहीं। टू अगर राइट साइड में है तो आप भी इसको राइट साइड में ले जाओ, तो टू अपॉन माइनस वन होगा, ठीक है, ये स्मार्टनेस हुआ। अब यहाँ अगर इन दोनों से निकालोगे तो के का वैल्यू क्या होगा, देख लो, फिफ्टीन इक्वल्स टू फोर के, तो के क्या हो गया, फिफ्टीन अपॉन फोर। अब तुम बोलोगे सर इधर से निकालना जरूरी है क्या, अगर ऑप्शन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू निकालना है, ये नहीं पूछा है कि के नॉट इक्वल टू वॉट। अगर ऐसा ऑप्शन में हो, अगर चालाक हो जाए सीबीएसई वाले, तो उस केस में आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे और बता दोगे कि माइनस टू के इक्वल्स टू टेन है नॉट इक्वल टू, तो के हो गया माइनस फाइव नॉट इक्वल टू। तो उस केस में ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे ही रहेगा। अगर के इक्वल टू है तो आप ये लिखना, नॉट इक्वल टू है तो वो लिखना। नाउ अब प्रॉब्लम सम को कैसे टेक्निकली करोगे ये मैं सिखाने वाला हूँ। प्रॉब्लम सम तो आप ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए तो करते ही थे, उसमें तो बच्चे फंसते ही हैं, है ना, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में रोते रहते हैं। बट अब एमसीक्यू में आपको प्रॉपर इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, 80% 90% क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो। ये ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ सेकेंड में। देखो दोनों अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप इसको करने बैठोगे तो एक पेज में बनेगा, प्रॉपर बनेगा, लेकिन यहाँ एमसीक्यू से करोगे कैसे। देखो फादर्स एज इज सिक्स टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है, फोर इयर्स हेंस। पहले तो शुरू में इस लाइन का मतलब समझो कि पापा का जो एज है वो बेटे के एज से चार गुना है, सिक्स टाइम्स है मतलब छः गुना है। तो सबसे पहले इस लाइन से मतलब निकालो, देख लो कौन कौन सा सिक्स टाइम्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, कट, पहले ही खत्म। ट्रिक समझो, अब है फोर इयर्स हेंस, ठीक है भाई, चार साल बाद बोल रहा है कि एज ऑफ फादर विल बी फोर टाइम्स सन्स एज। अब चार साल बाद, चलो थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाते हैं, मान लिया कि ये हमारा है प्रेजेंट एज, तब चार साल बाद क्या होगा, ये हो जाएगा एट और ये हो जाएगा 28। क्या अब ये फोर टाइम्स है, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अब आओ इसमें, चार साल बाद, ये सब प्रेजेंट एज है, पूछा है ना फाइंड द सन्स फादर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज आप निकाल रहे हो। तो प्रेजेंट एज में फोर इयर्स लेटर, फोर इयर्स बाद का, तो आप देखो इसमें फोर इयर्स ऐड करोगे क्या होगा, नाइन, इसमें फोर इयर्स ऐड करोगे क्या होगा, 34। अब ये चार साल बाद जो बोला है ये फोर टाइम्स है, फोर टाइम्स, क्या ये फोर टाइम्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी आंसर नहीं आएगा। अब आते हैं इस पर, फादर्स एज इज सिक्स टाइम्स, वो तो है ही, चलो फोर इयर्स लेटर, फोर इयर्स लेटर, सिक्स प्लस फोर कितना हो गया, टेन, और ये भी फोर इयर्स लेटर, 40। अब देखो ये फोर टाइम्स है, बिल्कुल है, सो करेक्ट आंसर मेरा थर्ड है, खत्म। ऐसे टेक्निक से आंसर निकलता है, विश्वास हो रहा है क्या, कैन यू बिलीव, ऐसे होता है ना, जब आप सीनियर क्लास में जाओगे और स्पेशली साइंस के बच्चे जेई मेंस वगैरह में जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एमसीक्यू से निकाल सकते हो, और ऐसे करोगे तो नहीं होगा सॉल्व, और एमसीक्यू से सॉल्व हो जाएगा। कम से कम जब लाइफ में ये ना मालूम हो कि क्या सही है, तो ये तो पता होगा ना कि क्या गलत है, गलत से ही चलो, सही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा तुम ये भी, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि फोर फोर क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ फोर ईयर्स हेंस है, जब भी फोर ईयर्स हेंस होगा तो आप इसका मतलब चार साल बाद का बोल रहे हैं, फोर ईयर्स अगो मतलब चार साल पहले का, हेंस मतलब आफ्टर, है ना, तो इसलिए हमने प्लस फोर किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एमसीक्यू में फटाफट आंसर से करो, करने मत बैठ जाना, बड़ा हो जाए लंबा। हाँ जिसका प्रैक्टिस है, जिसको कमांड है, तो वो तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जिसका कि ट्रिक बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्वेश्चन को कैसे आप सोल्यूशन कर सकते हो एमसीक्यू से। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन, एक टू डिजिट का नंबर है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, उसके डिजिट का सब नाइन है, मतलब 5 प्लस टू क्या है 7, कट, 7 प्लस टू क्या है 9, ये हो सकता है, ये क्या, ये हो सकता है, ये क्या, ये हो सकता है। अब एक तो मुझे मिल गया कि नहीं होगा, जाने दो उसको, नल्ला है वो, ठीक है। अब आते हैं इस पे, बोल रहा है इफ़ 27 इज एडेड टू इट, अगर 27 आप इसमें ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, बोल रहा है डिजिट्स ऑफ नंबर गेट्स रिवर्स्ड,
यानी कि अगर वो पहले 72 था और अगर 27 इसमें ऐड करो तो उसको बन जाना चाहिए 27, मतलब डिजिट जो है वो उल्टा हो जाना चाहिए। अभी 72 यहाँ है, अब 2 यहाँ और 7 यहाँ आ जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 27 इसमें ऐड करूँगा तो 72 कभी भी ऐड होकर 27 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, इसलिए ये भी कट। अब आते हैं इस पर, इसमें 27 ऐड करो क्या बनता है? 10, 8, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 63 था, 36 हो ही नहीं सकता। अब इसमें आओ 27 ऐड करो तो ये क्या बन गया? 3 और ये 6, देख लो मैजिक, ये मैजिक देखो, 36 में 27 ऐड किया, 63 बन गया। तो डिजिट रिवर्स हो गया ना, पहले 36 था अब 63 हो गया। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यकीन कर लो ऐसे बनता है, ये स्मार्टनेस है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व का। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कि जैसे किसी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू 3। यानी कि आपको सोल्यूशन दे दिया एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू 3, और इससे कितने लीनियर इक्वेशंस आप बना सकते हो, है ना, डेराइव कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही होता है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसके कितने एक्स के वैल्यू और वाई के वैल्यू हो सकते हैं? मेनी डिफरेंट, है ना, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसे ही किसी सॉल्यूशन से इनफाइनाइट लीनियर ऑफ इक्वेशंस हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन, कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट कैन बी फॉर्म फॉर एनी सॉल्यूशन गिवन एक्स इक्वल टू समथिंग वाई इक्वल टू समथिंग, तो उसमें इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब 20th क्वेश्चन है, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, हैज नो सॉल्यूशन इफ यहां पे रहेगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब आप तो इसके मास्टर हो ही गए होंगे, इसमें बच्चे अक्सर फंसते हैं, इसलिए मैंने इस पर 2-3 क्वेश्चन करवा दिया है। जैसे ही नो सॉल्यूशन होगा तो आपका क्या होगा? नो कंसिस्टेंट, है ना, अभी बताया था मैंने। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, नो सॉल्यूशन मतलब नो कंसिस्टेंट, है ना, ऐसे याद रखना। एंड कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें कोइंसिडेंट लाइन है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है एंड यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। 21 बोल रहा है फॉर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है, बोल रहा है कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ x इज व्हाट। अब 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, बोल रहा है कि x के टर्म में इसको लिखो और क्या होगा? बस घूम गए होगे, नहीं, x के टर्म में लिखना है, यानी कि y का वैल्यू निकालो जो कि x के टर्म में आए। तो क्या लिखोगे? 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x, और y क्या हो जाएगा यहाँ? 4 माइनस 2x अपॉन 3, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये 21 हो गया आपका। नाउ 22 है कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, इस लाइन के बारे में बोल रहा है कि ये इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को, दी y एक्सिस, है ना, एट समथिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। ये लाइन है, अब बोल रहा है कि ये लाइन कभी अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ये पूछ रहा है, इसका मकसद ये है पूछने का। तो जरा ध्यान दो, कोई भी लाइन है और अगर वो y एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि वहाँ पे पॉइंट जो है वो x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्या होगा? x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अगर कोई x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहाँ पे पॉइंट y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, और नहीं पता हो तो आप इंट्रो जाके देख लो। तो अब यहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसका वैल्यू जीरो ले लो, 3 × 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 6, तो ये क्या हो गया? माइनस 2y इक्वल्स टू 6, y कितना हो गया? माइनस 3। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट क्या आ गया? x तो जीरो है और y कितना आ गया? माइनस 3। मतलब ये तो मैंने अंदाजे से बताया था, इसका एक्चुअल ग्राफ अगर बोलोगे तो ऐसा होगा कहीं इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ये जीरो और माइनस 3 आ गया, ऐसे होगा ग्राफ।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसी में बोल दे कि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो आप वाई कोऑर्डिनेट जीरो ले लेना और फिर वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेना, फिर वो पॉइंट हो जाएगा जो एक्स का वैल्यू आया है दैट कॉमा जीरो, ठीक है। 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट 3, a lies on the line 2x minus 3y equal to 5, है ना। अब ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको a का वैल्यू निकालना है, बोल रहा है कि ये 3, a जो है एक पॉइंट है, वो कहाँ लाई करता है, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये तो समझ गया होगा कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है मतलब वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब एक्स के जगह वो 3 डाल दो, वाई के जगह ए डाल दो, आंसर निकाल दो, है ना। और ग्राफिकली देखोगे तो ये सोचो कि अगर कोई लाइन है, अगर उस पर कोई पॉइंट लाई कर रही है मतलब ये पॉइंट इस लाइन को किसी भी जगह पे सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है। उसके इक्वेशन में, सॉरी, उस इक्वेशन पे कोई भी पॉइंट होगा जो जो लाई कर रही है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स के जगह 3 डाल दीजिए और इसके जगह ए डाल दिया, हो गया ये 6 माइनस 3 है इक्वल टू 5, माइनस 3 है इक्वल टू माइनस 1, ए क्या हो गया 1/3, दैट्स इट। अब लीनियर इक्वेशन में ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देखो, बहुत मज़ेदार है, ये आया हुआ है बोर्ड वोर्ड में भी और खूब आता है प्री बोर्ड सब में। ये एक रेक्टेंगल है और आपको रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है और आपको एक्स वाई निकालना है। तो बस कॉमन सेंस लगाओ, रेक्टेंगल है मतलब ये अपोजिट साइड से इक्वल, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया 30, और ये ब्रेथ इक्वल अपोजिट साइड, तो एक्स माइनस वाई क्या हो गया 14, कट 2x इक्वल्स टू 44, x कितना हो गया 22, इसको इसमें वैल्यू डालोगे y कितना हो गया 8, खत्म, कुछ नहीं करना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे रेक्टेंगल का आया है ऐसे ही आपका पैरेललोग्राम का भी आ सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऐसे ही दिया रहेगा, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, ऐसे दिया रहेगा आपको एक्स वाई निकालना है। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ही चाहिए, है ना। किसी भी पैरेललोग्राम में जैसे ही डायगोनल होता है तो वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दिस इक्वल टू दिस होता है और दिस इक्वल टू दिस होता है। तो बड़ा सिंपल है, दिस इक्वल टू दिस है तो एक्स माइनस वाई क्या हो गया 5, और ऐसे ही दिस इक्वल टू दिस है तो मतलब एक्स प्लस वाई क्या हो गया 9 हो गया। इसको कट करिए, 2x इक्वल टू 14, एक्स हो गया 7, एक्स 7 हो गया तो वाई 2 हो गया, खुश हो जाओ, ठीक है। नाउ 26, अब आपका क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इफ एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन, आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, मान लिया इसको हमने आर कर दिया सॉल्यूशंस, ठीक है, वो ग्रामेटिकली देख लेना। तो एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी, ये दोनों सॉल्यूशंस हैं इसके और इसके, दो इक्वेशंस के जो सॉल्व करके आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से निकालते हो ना सॉल्यूशन, वो आपको दे दिया उसने। अब बोल रहा है कि उसका वैल्यू निकालो, सोचने की बात है, सोचो x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी बोल दिया और y a और b का वैल्यू निकालना है, मतलब x ही तो निकालना है और y ही तो निकालना है, ये सोचने की बात है। बच्चा एक मिनट के लिए घूम जाएगा, भाई x y ही तो निकालना है क्योंकि x ही a है y ही b है, हो गया इन दोनों को सॉल्व करके, ऐसे बच्चों वाला इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कट हो गया 2x इक्वल टू 6, एक्स हो गया 3, ये हो गया 1, वाई हो गया 1, तो यही तो ए है हमारा और यही तो बी है हमारा, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और एक लास्ट मेरा फेवरेट और MCQ ही है, वैसे लॉन्ग आंसर में भी आता है बट MCQ है। बोल रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 और अब बोल रहा है कि 8 इज सब्ट्रैक्टेड, देन व्हाट हैपेंस, द न्यू रेशियो विल बिकम 4:5, है ना। है लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन बट चुटकियों में निकाल सकते हो आप, चुटकियों में कैसे। मान लिया ये टू नंबर्स का रेशियो जो ओरिजिनली आपको दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है, तो आपका दो नंबर क्या हो गया 5x और 6x, करेक्ट है। अब बोल रहा है कि 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब दोनों में से तो न्यू रेशियो ये आ जाएगा, तो भाई इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करो
और इसमें से भी 8 सब्ट्रैक्ट करो और तब इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 4:5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स का आंसर निकालिए, एक्स का आंसर आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए, आपके नंबर्स आ गए। यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड नंबर्स, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यस, हमने लीनियर का एज पर माई कमिटमेंट पूरा किया, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो भी है 25-26 देख लेना, नंबरिंग में कहीं कोई मिस्टेक ना हो, और डेफिनेटली तुम लोगों ने सीखा होगा कुछ ना कुछ। अच्छा लगता है जब आप लोग सीखते हो, कोई भी सीखता है, कहीं से भी सीखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस विथ योर पेशेंस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लो यार, कुछ तो सपोर्ट करो, हमें भी अच्छा लगेगा बिकॉज इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।